आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न टू वेज। पहला है मसाला स्वीट कॉर्न और दूसरा चीज़ कॉर्न। ये हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मॉल्स या थिएटर में मिलता है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन में पानी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमें इसमें कॉर्न को उबालना है। यहाँ मैंने 1.5 कप कॉर्न लिया है। कॉर्न को सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, कॉर्न उबल गए हैं। इसे अब छान लेना है। कॉर्न को छानने के बाद अब हम कढ़ाई में इसे डाल देंगे। फिर इसमें बटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बटर लिया है। हमें बटर और कॉर्न को मिला लेना है जब तक कि बटर पिघल ना जाए। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। इससे जो फ्लेवर है कॉर्न का वो बहुत बढ़िया तरीके से इन्हेंस हो जाएगा और इसका बढ़िया टेस्ट भी आएगा। अब हम कॉर्न को 2 बाउल में डिवाइड कर लेंगे। मसाला स्वीट कॉर्न बनाने के लिए लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस लेंगे। कॉर्न को बढ़िया से मिला लेंगे मसालों के साथ। इन सब मसालों का बड़ा ही चटपटा सा टेस्ट आता है। तो हमारे पहले मसाला स्वीट कॉर्न रेडी है। अब हमारा सेकेंड चीज़ कॉर्न बनाएंगे। इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। चीज़ की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारे दोनों कॉर्न रेडी है, मसाला स्वीट कॉर्न और चीज़ कॉर्न। इसे जैसे बाहर सर्व किया जाता है बिल्कुल वैसे ही सर्व करें। इसे गरम गरम ही बारिश में एंजॉय करें।